नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शादी के दौरान सात फेरे और सात वचन और उनका अर्थ। जी हाँ, अग्नि को साक्षी मानकर अपनों के बीच वर वधु सात फेरों के दौरान एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने के कई वचन लेते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। हर एक फेरे के साथ वर वधु एक दूसरे को नया वचन देते हैं। आइए जानते हैं इन वचन का खास मतलब। हर लड़की चाहती है कि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिले। जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है जब ये सपना सच हो जाता है। अपने सभी सगे संबंधियों और खास दोस्तों के सामने वर वधु सात फेरे लेते हैं। हिंदू शादी में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। अग्नि को साक्षी मानकर अपनों के बीच वर वधु सात फेरों के दौरान एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने के कई वचन लेते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। हर एक फेरे के साथ एक दूसरे को एक नया वचन देते हैं। वर वधु के लिए ये खास पल होता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 16 संस्कार की बात की गई है, जिसमें से एक संस्कार है विवाह का। विवाह का मतलब होता है उत्तरदायित्व का वहन करना। अन्य धर्मों में विवाह एक करार होता है, जबकि हिंदू धर्म में ये जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, जिसको किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। विवाह के समय वर वधु अग्नि के साथ फेरे लेकर ध्रुव तारे को साक्षी मानकर तन मन और आत्मा से एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में सात फेरे लेने की रस्म को काफी महत्व दिया गया है। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार विवाह संस्कार के दौरान वर वधु के फेरे होते हैं और फेरों के दौरान पति पत्नी एक दूसरे को सात वचन देते हैं। सात फेरों को सप्तपदी भी कहा गया है। सात फेरों को पति पत्नी को जिंदगी भर निभाना होता है। मान्यता है कि सात फेरे किसी हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर वधू वर के बाईं ओर ही क्यों बैठती है। दरअसल पति पत्नी का रिश्ता काफी नाजुक होता है। ये विश्वास पर कायम रहता है, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता एक की वजह से नहीं चल सकता। ऐसे में दोनों का एक साथ काम करना, साथ में बढ़ना बेहद जरूरी है। कहते हैं पत्नी पति का आधा अंग होती है, इसीलिए दोनों में कोई भेद नहीं होता। मान्यताओं के अनुसार पत्नी को पति के बाईं ओर इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि पत्नी को वाम अंगी कहा गया है। वाम अंगी का मतलब होता है पति का बायां भाग। बता दें कि पुरुषों के दाएं और महिलाओं के बाएं हिस्से को शरीर विज्ञान और ज्योतिषों के अनुसार शुभ माना गया है। महिलाओं का बायां हाथ ही हस्त ज्योतिष में देखा गया है। मनुष्य के शरीर का बायां हिस्सा खास तौर पर मस्तिष्क रचनात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दाया हिस्सा कर्म प्रधान होता है। यही वजह है कि जब सात वचन लिए जाते हैं तो हर वचन के बाद वधु कहती है, मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि वधु वर के बाईं ओर आने को तैयार है। होने वाले वर वधु के साथ कई अन्य लोग ऐसे हैं जिनके मन में सवाल आता है कि आखिर सात फेरे ही क्यों लिए जाते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में भी सवाल आता है तो हम इसका जवाब जरूर देंगे। मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन के लिए सात की संख्या बहुत विशिष्ट है। अगर आप भारतीय संस्कृति पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि संगीत के सात सुर, इंद्रधनुष के सात रंग, सात ग्रह, सात तल, सात समुद्र, सात ऋषि, सप्त लोक, सात चक्र, सूर्य के सात घोड़े, सप्त रश्मि, सप्त धातु, सप्तपुरी, सात तारे, सात दीप, सात दिन, मंदिर या मूर्ति की सात परिक्रमा, इन सब का उल्लेख किया गया है और यही वजह है कि हिंदू विवाह में फेरों की संख्या सात होती है। तो आइए आपको बताते हैं सात वचनों का महत्व। सबसे पहले बात करते हैं पहले वचन की। पहले वचन में कन्या वर से मांग करती है कि वर अगर कभी तीर्थ यात्रा पर जाए तो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। वर कोई व्रत या उपवास या धार्मिक कार्य करे तो आज की भांति ही उसे बाईं ओर बिठाए। फिर कन्या वर से पूछती है कि अगर उसे स्वीकार है तो वो उसके वामांग में आना स्वीकार करती है। दूसरा वचन। दूसरे वचन में वधु वर से वचन लेती है कि जिस तरह वर अपने माता पिता का सम्मान करता है, वैसे ही
वो उसके माता पिता का सम्मान करेगा और परिवार की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहेंगे। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन, कन्या तीसरे वचन में कहती है कि वर उसे वचन दे कि जीवन की तीनों अवस्थाओं में, यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में वर उसका पालन करेगा। अगर वो उसे स्वीकार है तो कन्या उसके वामांग में आना स्वीकार करती है। चौथा वचन, वधू चौथे वचन में कहती है कि विवाह के बंधन में अब बंधने जा रहे हैं, ऐसे में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का पूरा दायित्व आपके कंधों पर है। अगर आप इस भार को संभालने में सक्षम हैं तो इसे वहन करने की प्रतिज्ञा आप लेते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पांचवा वचन, अपने होने वाले वर से कन्या परिवार को सुखी बनाए रखने के लिए पांचवा वचन लेती है, जिसमें वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में, विवाह, लेन देन और किसी अन्य चीज पर चर्चा करते समय अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन, कन्या छठवें वचन में कहती है कि अगर मैं किसी समय अपनी सहेलियों के साथ बैठी हूँ तो आप किसी के सामने किसी भी वजह को लेकर मेरा अपमान नहीं करेंगे, इसके अलावा आप जुआ या किसी तरह की बुराइयों से दूर रहेंगे। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन, कन्या आखिरी और सातवें वचन के रूप में वर से ये मांग करती है कि वो पर्यायी महिलाओं को अपनी माँ समान समझेंगे, पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। अगर आप मुझे ये वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। हर धर्म में वर वधू को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, मगर इन सब के पीछे का महत्व एक ही है कि दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, इसके अलावा हर अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे को सहारा दें। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन सात फेरों और सात वचनों के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।